ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम जानेंगे शाफ्ट डिज़ाइन के बारे में। शाफ्ट क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, ये एक रोटेटिंग एलिमेंट है। क्या है, ये एक रोटेटिंग एलिमेंट है। क्या ये रोटेट होता है, एलिमेंट ऑफ सर्कुलर सेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये हमेशा ही क्या होता है, ये सर्कुलर सेक्शन होता है। यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या करता है, ये पावर ट्रांसमिट करता है। इसके दो कैटेगरीज है, एक है ट्रांसमिट शाफ्ट और एक है स्पिंडल। ट्रांसमिट शाफ्ट, अ शाफ्ट यूज टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन सोर्स एंड द मशीन एज द पावर इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिटिंग शाफ्ट। ओके, क्या बोलता हूँ, अगेन मैं दोहराता हूँ उसको। शाफ्ट विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन सोर्स एंड द मशीन एब्जॉर्बिंग द पावर इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिटिंग शाफ्ट। ओके, ट्रांसमिटिंग शाफ्ट सपोर्ट द ट्रांसमिशन एलिमेंट लाइक गियर्स, पुली, स्प्रॉकेट। क्या करते हैं, ट्रांसमिट शाफ्ट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रांसमिशन एलिमेंट लाइक गियर, पुली एंड स्प्रॉकेट को। क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, बेंडिंग और एक्सियल फोर्स और द कम्बिनेशन ऑफ दिस। क्या बोला मैंने आपको, ट्रांसमिट शाफ्ट क्या करते हैं, दीज आर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, दीज आर सब्जेक्ट टू टॉर्शन, दीज आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, दीज आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स और कम्बिनेशन ऑफ ऑल। नेक्स्ट है मेरा स्पिंडल। स्पिंडल इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्पिंडल इज अ मशीन शाफ्ट विच फॉर्म अ इंट्रिकल पार्ट ऑफ मशीन इट सेल्फ लाइक अ लेथ का स्पिंडल। क्या है, लाइक अ लेथ का स्पिंडल, यू कैन यूज सिंपल वर्ड में लेथ स्पिंडल। ओके, नाउ मूव टू द मटेरियल पॉइंट। शाफ्ट किस मटेरियल से बनते हैं, ऑर्डिनरी शाफ्ट इज ऑफ मेड ऑफ एमएस माइल्ड स्टील, वेयर एज द वेन्स स्ट्रेंथ इज हाई, देन हम लोग शाफ्ट बनाते हैं अलॉय स्टील से। माइल्ड स्टील मतलब C30, C40, C45, या हाई स्टील इन द सेंस अलॉय स्टील दैट इज EN 24, 19, ये अलॉय स्टील के पार्ट्स होते हैं। ये आपको मिलेंगे PEG 9.1 में, ये सिंपल मिलेगा। इसके आगे आप जाओगे मटेरियल कैटेगरी में, आपको मिलेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट है मेरा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। नाउ शाफ्ट जो है, डिज़ाइन होता है बेस्ड ऑन ट्विस्टिंग, बेस्ड ऑन बेंडिंग, बेस्ड ऑन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, एंड बेस्ड ऑन ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं, अगर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स, अगर शाफ्ट क्या है, सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स, तब इज गिवन बाय द टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा टी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय पाई बाय 4 d²। क्या होगा, सिग्मा टी इक्वल टू पी डिवाइड बाय पाई बाय 4 d² स्क्वायर। ओके, नाउ तो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा टी सिंप्लीफाई करूंगा इसको तो 4 pi d² 4 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा फॉर्म ऑफ सिग्मा टी का। नाउ नेक्स्ट, जब व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए प्योर बेंडिंग मोमेंट, वो टाइम पे बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी स्टैंड फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा बी क्या होगा, एज पर बेंडिंग फॉर्मूला सिग्मा बी इंटू वाई डिवाइड बाई आई। ओके, एम बी फॉर बेंडिंग मोमेंट, वाई फॉर डी बाई टू, ये होगा आई होगा मेरा पाई बाय 64 d^4। ओके, एम एम रेस्ट टू 4। ओके, सिग्मा बी क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा बी इज इक्वल 32 mb डिवाइड बाय पाई डी क्यू, ये सब फॉर्मूले आपको मिलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू ए प्योर टॉर्शनल मोमेंट, तब क्या होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू, एज पर द टॉर्शनल इक्वेशन से बनेगा, टाउ इक्वल टू एम टी इंटू आर डिवाइड बाई जे, जे स्टैंड फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा पाई बाय 32 d³। ओके, तो टाउ बनेगा, टाउ इज इक्वल टू 16 mt डिवाइडेड पाई डी क्यूब। ऑल्सो वी कैन राइट इट एज एम टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। ओके, ये रहा इसके तीन टाइप। नाउ व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ओनली, जब शाफ्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ओनली को, वो टाइम पे क्या होगा, एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी,
क्या बोला मैंने आपको, एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा वन इज इक्वल टू 16 पाई डी क्यूब, क्या होगा 16 पाई डी क्यूब एम बी प्लस अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। ओके, सिग्मा वन स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो होता है सिग्मा वाई टी डिवाइड बाय एफ ओ एस, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सिग्मा वाई टी बोलो, एस वाई टी बोलो, आपको जिस तरह से डिनोट करना है उस तरह से डिनोट करो, एस वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, एफ ओ एस एम बी अंडर रूट ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर, ये होता है, ये जो टोटल टर्म बनेगा वो बनता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के टर्म में ये इक्विवेलेंट टर्म बनेगा। ओके, और जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल, किसके लिए अच्छा ये थ्योरी, फॉर द ब्रिटल मटेरियल। और नेक्स्ट है मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जो कि अच्छा है डक्टाइल मटेरियल के लिए, हम लोग मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं। टाउ मैक्स इक्वल टू पाई 16 डिवाइड बाय पाई डी क्यूब, ये देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा ये टर्म आएगा एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर, ये होगा इसका इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट। ये सब डिराइव फॉर्मूला है, मैं शॉर्टकट बताया आपको मैंने यहाँ पे जस्ट टू एक्स्ट्रा सम आगे लेने के लिए। ओके, इसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हो, कुर्मी गुप्ता या फिर भंडारी। ओके, सो एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एस वाई एस, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ 0.5 एस वाई डी, ओके, टाउ मैक्स एस वाई एस डिवाइड बाई एफ ओ एस इक्वल टू 0.5 एस वाई डी डिवाइड बाई एफ ओ एस। ओके, नाउ ये हो गया एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शाफ्ट डिजाइन बेस्ड ऑन टॉर्शनल रिजिडिटी बेसिस, ये फिलहाल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा एएसएमई कोड फॉर शाफ्ट डिजाइन, ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, एएसएमई कोड हम लोग यूज करेंगे, जैसे सम आएगा आगे मैं आपको बताऊंगा एएसएमई कोड फॉर शाफ्ट डिजाइन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ओके, हम सम भी करेंगे आज। ओके, ये टॉपिक आज का बड़ा है, आज मैं ये ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा शार्प डिजाइन खत्म करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द शार्प डिजाइन। ये समय आया मेरा मई 2015 में, 5A फॉर 16 मार्क्स। ओके, नाउ अ शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय टू बेयरिंग्स, क्या हो रहा है, शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय टू बेयरिंग प्लेस 1.5 मीटर अपार्ट, अ 450 mm डायमीटर फ्लैग पुली इज माउंटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 350 mm फ्रॉम राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ओके, मैं पहले सम रीड करूंगा फिर आपको बताऊंगा कि हम लोग सॉल्व कैसे करें इसके। ओके, क्या बोला, एक शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय टू बेयरिंग प्लेस 1.5 मीटर अपार्ट, अ 450 mm डायमीटर फ्लैट पुली इज माउंटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 350 mm टू द राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग, ड्राइव्स अ पुली डायरेक्टली बिलो इट विद द हेल्प ऑफ फ्लैट बेल ड्राइव हैविंग टेंशन ऑन टाइट साइड इक्वल टू 2.8 kN। ओके, अनदर वी ग्रुप पुली 300 mm पीसीडी इज प्लेस 300 mm to the left or right hand bearing is driven with the help of electric motor and V belt. The motor is placed horizontally of V groove, okay, is 35 degree. Select suitable material for shaft. Determine the shaft diameter. What will be the shaft if the shaft is hollow with the ratio of di divided by do equal to 0.5. Which one will you prefer? Comment on it. Okay. सो बेसिकली हमने पढ़ा, तो आपको बेसिकली क्या करना है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ना है बिकॉज ये 16 से लेके 20 मार्क्स के लिए आता है। ओके, नाउ हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे क्या है मेरे पास एक, इसने क्या बोला, एक शाफ्ट इज सपोर्टेड बिन टू बेयरिंग, दो बेयरिंग रहेगा यहाँ पे। ओके, जैसा अगर मैं बनाता हूँ डायग्राम सिंपल में, इसका क्या होगा, ओके देखिए यहाँ पे दो बेयरिंग होगा, बेयरिंग ए बेयरिंग बी, ये एक शाफ्ट रहेगा, उसका स्पैन कितना है 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर का स्पैन है। अब 450 mm डायमीटर फ्लैट पुल इज माउंटेड। ओके, तो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है ये क्या होगा, राइट हैंड बेयरिंग, ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ओके, अ 450 mm डायमीटर फ्लैट पुल इज माउंटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 350 mm राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बेयरिंग,
राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग पे 350 mm पे एक पुली मैंने बनाया है, पुली ए। ओके सर, पुली ए बोलो, आपको जो बोलना बोलोगे। यहाँ पे ए डिसाइड है, बी डिसाइड है, सो रहेगा सी। ड्राइव द पुली ओके बिलो इट विद द हेल्प ऑफ फ्लैट बेल्ट। ओके फ्लैट बेल्ट से एक पुली एक नीचे आ रहा है। ओके लेट्स सी। अनदर वी ग्रुप पुली 300 PCDs प्लस 300 mm। ओके लेफ्ट ऑफ येरा लेफ्ट ऑफ राइट हैंड बेयरिंग, मतलब एक और एक पुली है जो कि 300 mm है। ओके ये साइड से, ये कौन सा है, वी बेल्ट पुली है। दिस इज माय वी बेल्ट, दिस इज माय फ्लैट बेल्ट पुली। ओके नाउ सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल बोला हमें। सो ये रहा सिंपल वे में आपको बताने के लिए। नाउ मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा। नाउ यू कैन सी हियर, ये है मेरा बेरिंग ए, ये मेरा बेरिंग बी, ये मेरा फ्लैट बेल्ट पुली। कितने डिस्टेंस पे है ये, दिस इज फ्रॉम 350 mm। ओके राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ओके इसका डायमीटर कितना है मेरा, 450 mm का इसका डायमीटर। ओके डायमीटर ऑफ फोर, ये दूसरा एक क्या है, एक वी बेल्ट पुली है। दिस इज द वी बेल्ट पुली जो कि है तीन सौ एम एम पे, विच इज प्लेस्ड है 300 mm। उसका पीसीडी कितना है, इट हैज द पीसीडी ऑफ 300 mm विद द वी ग्रुप, दैट इज बीटा जो होता है, 2 बीटा होगा वो। कितना है वो, 35 डिग्री। सो सिंगल बीटा कितना होगा, 17.5 डिग्री होगा ये। ओके ये भी दिया गया है कि इसका टाइट साइड है टी डी, वी कैन से 2.8 किलोमीटर ले रहा है टी डी, आओ उसको टी वन बोलो, 2.8 किलोमीटर इसका ले रहा है। ओके नाउ स्पैन कितना दिया है दोनों के बीच में, 1500 mm का दोनों के बीच में स्पैन दिया हुआ है। ठीक है दोनों के बीच में स्पैन दिया हुआ है 1500 mm। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ये हो गया इसका जनरल 3D डायग्राम। ओके 3D डायग्राम एग्जाम में नॉट नेसेसरी 3D डायग्राम बनाओ, सिंपल एक डायग्राम बनाओ। ओके नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले डेटा क्या दिया है हम देखेंगे। यहाँ पे डेटा दिया है मेरे पास पुली दिया है, पुली सी क्या है जो कि ड्राइवर है, जिसका बेल्ट टाइप क्या है, फ्लैट बेल्ट है। डायमीटर कितना है पुली का, डीसी का, डीसी इक्वल टू 450 mm स्क्वायर। ओके टेंशन ऑन टाइट साइड टी सी वन, टेंशन ऑन टाइट साइड टी सी वन, दैट इज टी वन इक्वल 2.8 किलोन्यूटन दिया हुआ है। तो टी वन क्या होगा इन द न्यूटन, 2.8 × 10³ न्यूटन आ जाएगा ये। नाउ पुली डी क्या दिया है, ये पुली सी क्या था मेरा, ड्राइवर था। पुली डी क्या है, वो ड्रिवन है। ओके क्या ये वी बेल्ट ड्राइव है। ओके नाउ डायमीटर पुली कितना दिया है, डीबी का 300 mm दिया है। एंगल ऑफ लैप कितना दिया है, ओके यहाँ पे मुझे एंगल ऑफ लैप दिया हुआ है एंगल 180 डिग्री। ओके तो हो जाएगा, कन्वर्ट करूंगा अगर रेडियन में तो पाई बाय 180 × 180 डिग्री, तो आएगा आंसर मेरा पाए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.25 दिया है, और एंगल ऑफ ग्रो जो दिया है 2 बीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो मेरा बीटा हो जाएगा 17.5। ओके सो एक बार हम क्या करेंगे, और एक बार जो डेटा मैंने लिखा है सम रीड करेंगे एक बार और। ओके और शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय टू बेरिंग 1.5 मीटर अपार्ट। ओके 1.5 मीटर अपार्ट दिख रहा है आपको, 1.5 मीटर अपार्ट।
अ 450 mm डायमीटर फ्लैट पुली इज माउंटेड, क्या दिया है, अ 450 mm फ्लैट पुली इज माउंटेड एट डिस्टेंस ऑफ 350 mm फ्रॉम द राइट ऑफ लेफ्ट हैंड बेयरिंग। ये रहा फ्लैट पुली 350 mm टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बेयरिंग, ओके माउंट किया है। ड्राइव्स, ओके अब ड्राइव द पुली डायरेक्टली बिलो इट, क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, ड्राइव कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये ड्राइवर है, इट इज द ड्राइवर जो कि ड्राइव कर रहा है पुली, इसके जो नीचे है उसको ये ड्राइव कर रहा है, ओके तो ये होगा। इसमें टेंशन आएंगे, इसमें यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे सही है, टी वन टी टू, टाइट साइड स्लैक साइड, ओके विद द हेल्प ऑफ फ्लैट बेल्ट हैविंग अ टेंशन ऑन टाइट साइड 2.8 kN, ओके अनदर वी ग्रुप पुली 300 mm पीसीडी इज प्लेस 300 mm टू द लेफ्ट ऑन बेरिंग इज ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ओके वी बेल्ट, तो मोटर इज प्लेस हॉरिजॉन्टली, ओके एन एंगल ऑफ ग्रूव इज 35 degree, एन एंगल ऑफ लैप इज ऑल्सो गिवन इज देयर, ओके इज 180 degree इज द एंगल ऑफ लैप, समहाउ आई मिस दैट, ओके सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर शाफ्ट एंड डिटरमाइन दिस शाफ्ट डायमीटर, ओके नाउ ये रहा मेरा गिवन डेटा था, उसके हिसाब से मैंने लिखा यहाँ पे डायमीटर डी सी, आपको पता हो गया अभी 450 mm है, टी वन इसका 2.8 है, दैट इज टाइट साइड, पुली डी के बारे में वी बेल्ट है वो, डायमीटर कितना है पुली का, डी बी 300 mm है, एंगल ऑफ लैप दिया है, थीटा इक्वल टू 180 degree, उसको मैं कन्वर्ट किया रेडियन में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला पाई बाय 180 इंटू डिग्री, ओके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है मेरा म्यू 0.25, ग्रूव एंगल दिया था मेरा वी बेल्ट का 2 बीटा, तो बीटा होगा 17.5, ओके नेक्स्ट है मेरा क्या मुझे फाइंड करना है, देखिए मुझे फाइंड करना है डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी, ओके डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट जो कमेंट करना है दोनों के ऊपर, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। अज्यूमिंग शाफ्ट रोटेट एंटी क्लॉक वाइज वेन व्यू फ्रॉम एंड ए, ओके अगर मैं एंड ए से देखता हूँ, ओके ए एंड ए से, तो इट मूव्स एंटी क्लॉक वाइज, क्या बोला है, इज रोटेट एंटी क्लॉक वाइज, ओके सो एंटी क्लॉक ऐसा रहेगा, ओके एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमेगा, ओके एंटी क्लॉक वाइज, सो दैट बॉटम साइड डी इज द टाइट साइड, तो क्या हो जाएगा जो बॉटम साइड है पुली डी का, ये सी हो गया, ये डी हो गया, जो बॉटम होगा ये होगा मेरा टाइट साइड, ये हो जाएगा फिर एक्चुअली ये शाफ्ट है, दो बेरिंग है, ये पुली है, दोनों सी और डी, ओके स्टेप वन एनालिसिस ऑफ पुली ए, स्टेप वन क्या मेरा एनालिसिस ऑफ पुली ए, ओके टी वन कितना है मेरा 2800 न्यूटन, क्या है मेरा ये टी वन इक्वल टू 2800 न्यूटन, ओके सीन्स वी नो दैट, क्या होता है कि एज टेंशन रेशियो जो होता है, क्या होता है टेंशन रेशियो, टेंशन रेशियो टी वन बाय टी टू इक्वल टू ई रेस्ट टू म्यू थीटा इन अ रेडियन, तो जो मुझे पता है टी वन कितना है 2800, मेरा म्यू पता है मुझे 0.25, और ये मेरा थीटा कितना पाई, ओके देयरफॉर टी वन इक्वल टू 1276 न्यूटन, क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू टी वन का मुझे मिल गया, इसमें वैल्यू टी वन का मिल गया, ओके सॉरी मुझे वैल्यू मिलेगा यहाँ पे टी टू का, ओके टी वन तो मुझे पता है, मुझे वैल्यू मिलेगा टी टू का, ओके 1276 न्यूटन। नाउ सो मेरा हो जाएगा टोटल टेंशन हो जाएगा मेरा टी टोटल टेंशन ऑफ पुली सी टी सी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू समेशन, तो हो जाएगा 4076 न्यूटन। नाउ ट्विस्टिंग मोमेंट, ओके ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द पुली सी एम टी इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड जो होता है वो होगा टी वन माइनस टी टू माइनस डी सी बाई टू, ओके आई नो टी वन 2800, आई नो टी टू 1276, आई नो डायमीटर पुली डी सी 450, ओके नाउ देयरफॉर मुझे मिलेगा एम टी सी इक्वल टू
3.45 इंटू 10^5 न्यूटन mm। ओके ये हो गया एनालिसिस ऑफ पुली। ओके पुली का, ओके पुली ए का, नाउ नॉट पुली ए इज पुली सी। ओके माइट भी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इट्स पुली सी। ओके नाउ द एनालिसिस ऑफ पुली डी। ओके यहाँ पे पुली डी। ओके सो देखते हैं यहाँ पे एक बार, आप देख लीजिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, यू विल जस्ट कम टू नो। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू एनालिसिस ऑफ पुली डी। ओके अगर मैं बोलता हूँ दोनों का पावर सेम है, ओके फॉर अज्यूमिंग दैट फॉर सेम पावर एंड स्पीड एम टी डी इक्वल टू एम टी सी, ओके इक्वल टू 3.45 इंटू 10^5 न्यूटन mm। सो अगेन पावर ट्रांसमिट इज गिवन बाय एम टी डी इक्वल टू टी थ्री माइनस टी फोर इंटू डी डी बाई टू। ओके टी थ्री डी फोर क्या होगा, टाइट साइड स्लैक साइड, और ये डायमीटर ऑफ पुली जो कि मेरा वी बेल्ट है। ओके ये हो गया 3.45, डी डी मुझे पता है ना, ये तो फाइंड करना है। एज वी नो टेंशन रेशियो जो होता है, टेंशन रेशियो फॉर वी बेल्ट, टेंशन रेशियो फॉर वी बेल्ट टी थ्री बाय टी फोर इज इक्वल टू ई रेस्ट म्यू थीटा डिवाइड बाय साइन बीटा। वी नो थीटा, थीटा मुझे पता है 180 डिग्री दैट इज पाई। ओके टी थ्री साइन बीटा मुझे पता है 17.5, म्यू मुझे पता है, सो विल गेट द रेशियो टी थ्री बाई टी फोर इक्वल टू 13.62। सो ये मुझे मिल गया, मैं पुट करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे एक वैल्यू को और फाइंड करूँगा, तो मुझे मिलेगा टी थ्री का वैल्यू, टी थ्री इज इक्वल टू 181.19 न्यूटन। अगेन सेम ये रेशियो मुझे पता है, तो उससे मुझे मिलेगा टी फोर, टी फोर इक्वल टू 181.19 इंटू 13.62, ये रहा 13.62 का रेशियो, तो मुझे आंसर आया 2467.8 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट ये हो गया, मुझे सब कैलकुलेट कर दिए जितने शाफ्ट के पुली थे। स्टेप थ्री मेरा हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम। ओके क्या आएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम, नाउ कैन सी हियर कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी। अभी हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम में क्या आएगा, इस पर कितने हॉरिजॉन्टल लोड गिर रहे हैं, ओके एक्ट हो रहे हैं। एज वी नो जो होता है ये बेरिंग, बेरिंग में तीनों डायरेक्शन ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से क्या होता है, फोर्स लगते हैं और फर्म रहता है वो। सेम यहाँ पे भी एक्स वाई जेड में भी यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तीनों डायरेक्शन का रिएक्शन आता है यहाँ पे, मतलब वर्टिकल भी आएगा, हॉरिजॉन्टल भी आएगा और जेड में भी आएगा। अब ये जो है अगर पुली का वेट दिया है तो वर्टिकल डाउनवर्ड गिरेगा, टेंशन अगर नीचे डाउनवर्ड है तो नीचे आएगा, अगर टेंशन ये साइड है हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल आएगा। ओके इसके लिए मेरे पास साइन कन्वर्जन है, अगर डाउनवर्ड गिरता है इफ इट्स गो डाउनवर्ड इट्स पॉजिटिव, अगर हॉरिजॉन्टल डायग्राम में अगर ये टूवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव। ओके नाउ सो हम देखेंगे यहाँ पे, अभी जैसे हमें पता है बेरिंग है, रिएक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल में, यस एच ए सेम, यहाँ पे क्या होगा एच बी आएगा, बेरिंग रिएक्शन ओके हॉरिजॉन्टली, सी पे एस पुली है वहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो क्या होगा जीरो न्यूटन। हमें पता है जो पुली डी है वो क्या है, वी बेल्ट ड्राइव है जो कि हॉरिजॉन्टल पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो दोनों का एडिशन आएगा टी थ्री प्लस टी फोर, तो वैल्यू होगा मेरा 2649 न्यूटन, तो डी में क्या आएगा टी थ्री प्लस टी फोर आएगा। नाउ यहाँ पे दिए हैं डिस्टेंस 350, 850 एंड 300। ओके पूरा ऐड करोगे तो यू विल गेट 1.5 मीटर। अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेम लाइक अ सॉन्ग, अब क्या करूँगा मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा एच ए माइनस ये डाउनवर्ड फोर्स 2649 जिसे मैंने साइन कर लिया है, अपवर्ड फोर्स
डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो एच ए हो जाएगा, एच ए यहाँ पे एच बी भी है, एच ए प्लस एच बी इक्वल टू 2649 न्यूटन, ये रहा इक्वेशन नंबर वन। नाउ अप्लाइंग मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट अप्लाई करता हूँ पॉइंट ए पे, तो ये हो जाएगा टी थ्री प्लस टी फोर, दैट इज 2649 इंटू 850 प्लस 350, तो है 1200। 2649 इंटू 1200, साइन क्या होगा इसका, ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, क्या है ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज फोर्स है पॉजिटिव आएगा, एच बी इंटू 1500, ये डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एच बी इंटू 1500। ओके सो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो मुझे मिलेगा एच बी का वैल्यू, एच बी हो जाएगा मेरा 2119 न्यूटन। अगेन सेम वैल्यू पुट करूंगा एच बी का यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा एच ए, एच ए आएगा 530 न्यूटन। ओके ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम के लिए स्टेप। अभी इसके मैं कैलकुलेट करूंगा बेंडिंग मोमेंट फॉर, चलो देखते हैं हम लोग अभी बेंडिंग मोमेंट के बारे में। ओके फॉर द हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट, बट बिफोर बेंडिंग मोमेंट जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथोमीटर आपको पता ही होगा। ओके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट बी, ओके चार पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट सी कंसिडर करता हूँ और पॉइंट सी का लेफ्ट हैंड साइड यूज करता हूँ, तो जो रहेगा मेरा फोर्स क्लॉकवाइज वो होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरा नेगेटिव। अगर मैं सी का अपोजिट लेता हूँ, दैट इज ये साइड, दैट इज टूअर्ड राइट वाला, वो इसमें क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। ओके याद रखना, अगर मैंने सी का ये साइड कंसिडर किया, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, अगर मैं राइट साइड हैंड लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, हमेशा याद करिए। ओके तो ये ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है ना। सो लेट्स स्टार्ट, हम देखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट सी, तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट क्या होता है, जीरो होता है। ओके नाउ देखेंगे आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ए और बी पे जीरो बिकॉज ऑफ सिंपली सपोर्ट बीम। नाउ एट पॉइंट सी पे क्या होगा, सी पे आएगा मेरा, मैं ये साइड का लूंगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव होगा, मैं कपल एच ए इंटू 350, एच ए मेरे पास वैल्यू है, एच ए इक्वल टू 530 न्यूटन, तो 530 इंटू 350, तो ये आ जाएगा 530 इंटू 350 इज इक्वल टू, आंसर आएगा मेरा 1.85 इंटू 10^5 न्यूटन mm। सिमिलरली फॉर पॉइंट डी, पॉइंट डी में मुझे ये जो साइड है इजी लग रहा है, ओके तो मैं ये साइड लूंगा, तो ये साइड में क्या है, एक ही फोर्स है, बट ये साइड का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉक होता है पॉजिटिव, तो एच बी इंटू 300, एच बी के वैल्यू है मेरे पास 2199 इंटू 300, बट फोर्स रहेगा मेरा पॉजिटिव, फोर्स मतलब कपल रहेगा मेरा पॉजिटिव, तो 2199.2 इंटू 300, 6.36 इंटू 10^5 न्यूटन mm। ओके ये आएगा मेरा पॉजिटिव वैल्यू। नाउ स्टेप फोर, वर्टिकल लोड डायग्राम, अभी आएगा मेरा वर्टिकल लोड डायग्राम। नाउ मूव टू द वर्टिकल लोड डायग्राम, अभी आपको पता है फॉर द वर्टिकल लोड डायग्राम यहाँ पे वर्टिकल फोर्स से आएंगे, सो लेट्स एक बार देख लेंगे अगेन हम लोग हमारा डायग्राम, ये है हमारा 3D डायग्राम, ये मेरा पुली है, पुली सी, ये मेरा पुली डी, पुली सी में सबके फोर्स दो जनों टेंशन है कहाँ पे, डाउनवर्ड है। ओके टी वन प्लस टी टू, तो क्या आएगा इसका एडिशन आएगा टी वन प्लस टी टू, बट डी में क्या है, डी में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे नहीं आएगा, हमने इसको कंसिडर किया है हॉरिजॉन्टल डायग्राम में। ओके नाउ अगर वेट ऑफ पुली दिया है या फिर डेंसिटी ऑफ पुली दिया है, तो मुझे वेट भी कंसिडर करना है इन केस ऑफ वर्टिकल डायग्राम, बट अपने केस में नहीं दिया है, तो वेट ऑफ पुली होगा जीरो। ओके सो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए रिएक्शन, बेयरिंग रिएक्शन वर्टिकल का, पॉइंट बी बेयरिंग रिएक्शन वर्टिकल का,
पॉइंट सी टी वन प्लस टी टू डाउनवर्ड टेंशन प्लस वेट ऑफ पुली, वेट ऑफ पुली कितना है जीरो, तो ये आएगा आंसर मेरा 4076। टी वन है मेरे पास, टी टू है मेरे पास, एडिशन किया मैंने यहाँ पे, डी पे सिर्फ के सिर्फ क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वेट नहीं दिया करके 0 न्यूटन। ओके नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, क्या होगा वी ए अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स 4076 जीरो प्लस अपवर्ड फोर्स वी बी इक्वल टू जीरो, ये बन गया इक्वेशन एक। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए अप्लाई करूंगा, क्या होगा 4076 क्लॉकवाइज पॉजिटिव इंटू 350 जीरो प्लस सॉरी माइनस वी बी इंटू 350 प्लस 850 प्लस 300 दैट इज 1500। तो 4076 इंटू 350 माइनस वी बी इंटू 1500, तो मुझे ऐसे मिलेगा वैल्यू ऑफ वी बी, ये वैल्यू वी बी मिला 951, ये 951 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा वी ए, तो मेरा आंसर है वी ए का 3125 न्यूटन। नाउ सेम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे हम इसके लिए। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी एज ऑफ क्या होगा सिंपली सपोर्ट बी में तो जीरो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है मेरा एट पॉइंट सी के लिए, तो एट पॉइंट सी के लिए ये होगा, ये साइड का फोर्स लूंगा मैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड का, तो वी ए इंटू 350 पॉजिटिव, क्योंकि ये सेंस क्या होगा इसका क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 3125 जो मैंने भी कैलकुलेट किया। ओके 3125 इंटू 300, तो आंसर है मेरा 11 इंटू 10^5 न्यूटन एमएम। सेम अब मैं लूंगा डी के लिए, ये साइड का फोर्स लूंगा यहाँ पे कम करके, तो वी बी इंटू 300, ये साइड कौन सा है सेंस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये फोर्स क्या है कपल क्या आ रहा है ये वी बी का, ये बन रहा है मेरा कपल एंटी क्लॉकवाइज। ओके तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये साइड आएगा पॉजिटिव। ओके 950 इंटू 300 के 951, तो ये आंसर है मेरा 2.85 इंटू 10^5 न्यूटन एमएम। नाउ रिजल्टेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी क्या होगा जीरो, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट सी होगा समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन सी वी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, मतलब जो मेरा वैल्यू है सी का वर्टिकल के लिए जो आया है वो प्लस जो हॉरिजॉन्टल के लिए आया वो उनका स्क्वायर करना फिर अंडर रूट करना, तो इसके लिए आया है मेरा सी एच जो है मेरा 1.85 इंटू 10^5 सी वी है मेरा 11 इंटू 10^5 न्यूटन एमएम, तो आंसर आएगा मेरा 11.08 इंटू 10^5 न्यूटन एमएम। सेम डी के लिए, डी वी वर्टिकल के लिए कितना है ये 2.85 इंटू 10^5 डी एच है मेरा 6.36 इंटू 10^5, तो आंसर आया मेरा 6.97 इंटू 10^7। अभी इसमें तो जो मैक्सिमम रहेगा वो मेरे मैं काउंट करूंगा मैक्सिमम डिजाइन करेंगे शाफ्ट के लिए, तो मुझे क्या दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट जो है बेंडिंग मोमेंट एट सी दिस इज द मैक्सिमम वन। ओके बेंडिंग मोमेंट सी 11.08 इंटू 10^5 ये क्या है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और मैंने लास्ट टाइम जो कैलकुलेट किया था मैक्सिमम टॉर्क एमटी क्या है 3.45 इंटू 10^5 ये मेरा मैक्सिमम टॉर्क है। तो रिकैलकुलेट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था मैंने एमटी सी गियर के लिए पुली के लिए T1 माइनस T2 एमटी सी है 3.45 इंटू 10^5 न्यूटन एमएम। ओके समझ गया ये आपको। नाउ नेक्स्ट मूव टू द स्टेप नंबर 6। नाउ स्टेप नंबर 6 से मेरा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मैं सिलेक्ट करूंगा मटेरियल C45 कहाँ से लूंगा पेजी 1.9 पे, सिंपल है ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ पेजी, यहाँ पे जैसे यू गो टू पेजी 1.9 आपको मिलेगा CYT, ओके सिग्मा YT यील्ड स्ट्रेंथ यील्ड प्रॉपर्टी, ओके वहाँ पे लिखा रहेगा 36, बट वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा आपको 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, ये आपको kgf पर में दिया रहेगा। ओके नाउ तो आपको मिलेगा ये 360 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, सिग्मा यूटी भी दिया रहेगा 670, सिग्मा 67 दिया रहेगा पीएजी 1.9 पे जाओगे तो। नाउ स्टेप नंबर 7, शाफ्ट का साइज यूजिंग एएसएमई कोड। नाउ इक्विवेलेंट टॉर्क जो मैंने आपको बताया था, मैंने इक्विवेलेंट टॉर्क फाइंड करूंगा मैं टी का, यहाँ पे क्या होता है के बी के टी दीज आर द शॉक फैक्टर्स, ओके माइनर शॉक फैक्टर्स ये मैंने लूंगा यहाँ पे फ्रॉम द पीएजी 7.2 से,
ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं एज पर द एएसएमई कोड। ओके नाउ तो हमने क्या डिसाइड किया था, ओके ये कंबाइंड लोड आ रहा है तो वी नो द फॉर्मूला। ओके यहाँ पे देखिए तो एएसएमई कोड फॉर शार्प डिजाइन के लिए तो ये बनेगा यहाँ पे, यही सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पे। ओके नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करूंगा मैं, तो ये फॉर्मूला बनता है, क्या आता है टाउ मैक्स मतलब डी का यूज करूंगा, डी को यहाँ पे लिख गया। ओके 16 पाई डी क्यूब टी इक्वेलेंट। ओके तो ये हो जाएगा डी क्यूब इक्वल टू 16 टाउ मैक्स पाय टी क्यूब। ओके ये डी निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ 16 टी इक्वेलेंट डिवाइड बाय टाउ मैक्स इंटू पाय। नाउ दिस टी क्या था, ये हो एन बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर, बट यहाँ पे एज पर एस में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है के बी इसके लिए आता है के डी, जो कि मुझे पी से मिल जाएगा। ओके समझिए आपको यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए वही मैंने यूज किया है टी के बी और के डी, ये आपको पेजी 7.21 से मिलेगा, फैक्टर से जस्ट अप्लाई करना है यहाँ पे 1.75 1.25। ओके मिला टी। नाउ मुझे फाइंड करना है टाउ। नाउ अभी ये कंसेप्ट है आपके लिए शियर स्ट्रेस। ओके नाउ एज पर द जो स्टैंडर्ड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ओके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मुझे फाइंड करना है एस वाई एस टाउ मैक्स फाइंड करना है। ओके नाउ देखिए टाउ मैक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग लेते हैं मिनिमम ऑफ मतलब 80% ऑफ सिग्मा यू टी एंड 30% ऑफ सिग्मा वाई टी। क्या करते हैं हम लोग 18% ऑफ सिग्मा यू टी एंड 30% ऑफ सिग्मा वाई टी लेते हैं, जो भी उसमें से कम रहेगा उसको हम लोग लेंगे। ओके जो भी दोनों में से कम आए, जैसे ये आया मेरा इसका आंसर 0.8 इंटू सिग्मा यू टी 120.6 और ये 0.3 इंटू सिग्मा वाई टी कितना है 360 है, आंसर है मेरा 108, तो मैं लूंगा 108 जो मिनिमम आएगा उसको लेंगे। और उसमें एक फैक्टर है की फैक्टर, अगर शार्ट में की अवेलेबल है तो क्या होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है बाय 25%, कितने से कम होता है बाय 25%, मतलब 100 रुपये में से 25 रुपीज गया, कितना बचा आपके पास 75 रुपीज, तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 0.75 × 108, ये हो गया 81। ये क्या विद द कंसिडरेशन ऑफ की वे, ओके विद कंसिडरेशन ऑफ की वे, मतलब टाउ कैसे फाइंड किया मैंने, टाउ मैंने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ऑफ दीज टू, देन मैंने कंसिडर किया इसमें की वे है, कीवे आने के कारण क्या हो गया ये कम हो गया बाय 25%, तो इसका स्ट्रेंथ कितना बचेगा सिर्फ 75%, तो मैंने उसके मिनिमम को 75% से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 81 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। ओके समझ गया आपको ये। नाउ नेक्स्ट तो यह आएगा यहाँ पे सॉलिड शार्प डायमीटर डी, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू डी क्यूब 16 टी ई डिवाइड बाय पाई इंटू टाउ, आपके टाउ है 81, आपके टी ई है हमने यहाँ पे फाइंड किया है टी कितना है 19.25 × 10^5। ओके तो आपको मिलेगा ऐसे डी का, जैसे डी आपको मिला पे 50 mm। ओके ये जस्ट है अभी जस्ट आप थ्योरी कर रहे हो कॉलेज में तो ये जस्ट आप ले सकते हो 51 लो 52 लो, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको ये लेना पड़ता है डिपेंड अपॉन द बेयरिंग सिलेक्शन। अभी आप बेयरिंग लगाओगे तो बेयरिंग किस साइज में अवेलेबल है SKF, ओके SKF बेयरिंग्स होते हैं, आपको ये मशीन डिजाइन टू में मिलेगा SKF बेयरिंग्स। SKF बेयरिंग के स्टैंडर्ड डायमीटर होते हैं जो कि वो हमें इनसाइड डायमीटर होते हैं, वो उसके हिसाब से हमें बेयरिंग के हिसाब से हमें शाफ्ट के डायमीटर लेने होते हैं। ओके 50 mm 55 mm 52 mm उसके स्टैंडर्ड का यूज़ करके हमें बेयरिंग शाफ्ट का डायमीटर डिसाइड करना पड़ता है। ओके तो ये हो गया टॉपिक यहाँ पे इसका खत्म, बट इसमें एक और सम था, अगर वो शाफ्ट रहा हॉलो, क्या रहा शाफ्ट हॉलो रहा तो क्या होगा, तो हॉलो रहा तो क्या होगा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये इतना ही जो मैं हैशिंग किया है इतना ही अमाउंट का एरिया है, तो ये अंदर इनसाइड डायमीटर डी है आउटसाइड डायमीटर डी ओ,
मुझे रेशियो दिया हुआ है गिवन में, डी आई डिवाइड बाई डी ओ इक्वल टू 0.5। ओके नाउ द फॉर हॉलो शाफ्ट यू नो दैट कि टाउ इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अभी अगर मैं यूज करता हूँ, टाउ इज इक्वल टू 16 DE D0, मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन फॉर्मूला में ये आपको फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मिलेगा बेंडिंग मोमेंट का, तो टाउ इक्वल टू 16 के, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा यहाँ पे, टी इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4 डिवाइड बाई डी ओ, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आता है ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके टाउ यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या होगा यहाँ पे, टी अब केस है 19.88 इंटू 10^5, टाउ है अब केस 81, अब केस डी ओ और डी आई का रेशियो है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डी आई का पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ डी ओ, तो आपको मिलेगा डी आई डी ओ मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे आएगा आंसर डी ओ का 51। तो मैंने कितना लिया, 55 लिया, एक रैंडम फिगर ले लिया, देन फाइंड करूँगा मैं डी आई, डी आई कितना आया मेरा 0.5 इंटू डी ओ, तो ये रहा मेरा आंसर, तो मुझे कितना आया 27.5। बट मुझे क्या करना है, रेशियो मेंटेन करना है डी आई डिवाइड बाई डी ओ का, ओके 0.5 रेशियो मेंटेन करना है, करके मैंने क्या किया, ये बेस्ट सुटेबल ये ले लिया मैंने, डी ओ डिवाइड बाय डी ओ इक्वल टू 52 लिया और डी आई इक्वल टू 26 लिया। ओके समझा आपको ये। नाउ एरिया ऑफ हॉलो शॉट क्या होगा, एरिया ऑफ हॉलो शॉट पाई बाई 4 डी रेस टू डी का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1593 mm का स्क्वायर। सेम केस ऑफ एरिया क्या होगा, सॉलिड शाफ्ट पाई बाई 4 डी स्क्वायर 1963। मुझे कमेंट करना है, करके मैंने निकाला ये कमेंट में क्या आएगा, सीन्स फॉर सेम लोड स्ट्रेंथ के लिए सेम मटेरियल, ओके सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट कंपेरिजन एज फॉलो, क्या हो रहा है एरिया कंपेयर है आपको, एरिया जो है सॉलिड शाफ्ट का क्या है ज़्यादा है, वेट क्या है सॉलिड शाफ्ट का ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ज़्यादा होगा, और क्या होगा वेट ज़्यादा करके बल्कि भी हो जाएगा, सो एज पर मी वी विल यूज द हॉलो शाफ्ट, ओके इज माई रिकमेंडेशन। तो ये रहा आपका ये एक सम खत्म, ओके सो अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम के यहाँ पे, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। कि ये समय मैं 2006 में आया वो समय, ये देखिए ये सम क्या बोलता है, अ शाफ्ट इज सपोर्टेड बिटवीन टू बेयरिंग ए एंड बी 1500 mm अपार्ट, कैरीज ए 120 mm डायमीटर पर गियर। क्या कर रहा है यहां पे देखता हूं, यहां पे ड्रॉ करना कोशिश करता हूं मैं, एक शाफ्ट है जो कि दो बेयरिंग में मैंने इसको रखा हुआ है, जो कि कितने एमएम अपार्ट है, 1500 mm अपार्ट है, ओके कैरीज अ स्पर गियर 180 mm डायमीटर, एक स्पर गियर है 180 mm डायमीटर का, ओके 20 डिग्री प्रेशर एंगल एट अ डिस्टेंस ऑफ सी, ओके ये ए नाम देता हूँ, ये बी सी 220 mm फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ओके ये यहाँ पे आएगा, मतलब 220 mm ये यहाँ पे गियर रहेगा, स्पर गियर सी, टू पुली डी ई ऑफ इक्वल डायमीटर 300 mm आर माउंटेड ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 650 and 105 mm फ्रॉम बेरिंग ए, बेरिंग ए से एक है मेरा 650 पे, दूसरा है मेरा 1050 पे, ये है मेरा डी, ये मेरा ई पुली, आइडेंटिकल पुली है। द गियर रिसीव क्या हो, यहाँ पे गियर मैंने यूज किया है, यहाँ पे गियर रिसीव 40 kW पावर फ्रॉम अ पिनियन वर्टिकली अबोव इट, ओके इसके ऊपर एक वर्टिकल मैंने क्या लगा है, पिनियन है जो कि क्या कर रहा है पावर ले रहा है ये गियर, ओके वर्टिकली अबोव, ओके कितना पावर ले रहा है 40 kW का ये पावर ले रहा है यहाँ पे फ्रॉम अ वर्टिकल पिनियन अबोव इट,
एंड डिलीवर्स 20 किलोवाट पावर थ्रू पुली डी। और क्या कर रहा है, 20 किलोवाट पावर थ्रू पुली डी से ये डिलीवर कर रहा है टू वन मशीन, ओके टू द वन मशीन को कर रहा है। एंड रेस्ट ऑफ पावर थ्रू पुली ई टू अनदर मशीन, ओके। और बचा हुआ पावर यहाँ पे आ रहा है, कितना पावर टोटल 40 है, 20 इसने ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 किलोवाट। द बेल टेंशन आर डी आर पैरेलल, जो बेल टेंशन जो डी का पैरेलल है बट इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू वर्टिकल डाउनवर्ड। जो अगर मैं पुली डी बनाता हूँ, पुली डी में क्या आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड है तो ऐसा डायरेक्शन आएगा, ओके ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये टी वन और यहाँ पे आएगा ये टी टू, ओके। टेंशन एट ई आर ऑल्सो पैरेलल बट हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स, ये जो है ये क्या है, पैरेलल है दोनों को बट हॉरिजॉन्टल है टूवर्ड्स राइट, ओके ये रहा राइट के टूवर्ड्स, ओके ये टी फोर और ये टी थ्री, ओके। रेशियो बेल टेंशन आर डी एन ई, कितना है दिया है मुझे रेशियो, बट टाइट साइड टी डी डिवाइड बाय स्लैक साइड कितना दिया है 2.5 दोनों के लिए। द मास ऑफ पुली, ओके देखा यहाँ पे मास आ गया, मास ऑफ पुली डी एनी इज 25 kg, मतलब एम जी जो होगा मास 25 kg ईच। शाफ्ट रोटेट स्पीड दिया है 800 rpm, शाफ्ट डिजाइन करो और दिया है टेक टाउ इक्वल टू 400 Nm/mm². आपको यहाँ पे मटेरियल लेना नहीं है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल, ओके। सो लेट्स देखते हैं इसका हम लोग 3D डायग्राम कैसा होगा, ओके तो ये रहा इसका 3D डायग्राम, ओके एक शाफ्ट है, ओके जो कि ये रहा बेरिंग है, बेरिंग भी ये रहा मेरा स्पर गियर सी, ये रहा मेरा पुली, देखा डाउनवर्ड है वर्टिकली जा रहा नीचे, पुली डी पुली ई, ओके हॉरिजॉन्टल जा रहा है टूवर्ड्स राइट, ओके राइट के यहाँ पे जा रहा है ये। नाउ स्पर गियर है, डेटा मुझे दिया है, ये भी डेटा दिया है, इसका भी डेटा दिया है मुझे, टेंशन है मेरा 2.5 का, ये 40 किलोवाट पावर ले रहा है, ये रहा पिनियन, कैन सी यहाँ पे पिनियन है, ये मेरा ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, फिर ये क्या बन रहा है, ड्राइवर बन रहा है शाफ्ट के लिए, फिर पुली से रन हो रहा है, पुली रन कर रहा है, फिर नीचे मशीन रन हो रहा है, फिर अगेन शाफ्ट घूम रहा है, तो यहाँ पे और एक मशीन रन हो रहा है, ओके। सो ये रहा शाफ्ट, मुझे शाफ्ट डिजाइन करना है, डायमीटर डिजाइन इन द सेंस डायमीटर फाइंड करना है मुझे शाफ्ट का, जो कि ये लोड ले सके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ये थोड़ा मैं जल्दी करूंगा इस हमको डेटा। नाउ क्या क्या डेटा दिया है देखिए यहाँ पे फटाफट, नाउ डेटा दिया है गियर सी का, गियर सी क्या स्पर गियर है, अल्फा मतलब प्रेशर एंगल दिया है 20 डिग्री का, डायमीटर दिया है डी सी इक्वल टू 1800 mm, पुली डी एंड ई का क्या दिया है डायमीटर दिया है 300 mm, टेंशन रेशियो दिया है मुझे T1 + T2 T3 / T4, ओके टाइट साइड डिवाइड बाय स्लैक साइड 2.5, मास ऑफ पुली दिया है डी और ई का तो एम डी इक्वल टू एम ई इक्वल टू 2.5 kg। तो ये देखिए सिस्टमेटिक वे से डायग्राम निकाला मैंने पुली डी का, ये घूम रहा है, मैंने अजूम किया ये कैसे घूम रहा है, इट्स मूविंग एंटी क्लॉक वाइज, ओके सॉरी ये यहाँ से घूम रहा है, ओके कौन सा साइन साइन घूम रहा है, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है यहाँ पे से, ओके। नाउ देखिए टी वन टी टू ये रहा टाइट साइड, ये रहा स्लैक साइड, सेम यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रहा टाइट साइड, ये होगा स्लैक, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉक वाइज, ओके यहाँ से देखने पे, ओके पुली ई के लिए पुली डी के लिए। नाउ पावर जो दिया है गिवन डेटा में पावर 40 किलोवाट दिया है, जो कहाँ से आ रहा है इस स्पर गियर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है स्पर गियर से मुझे पावर आ रहा है। देन पी डी और पी कितना जा रहा है 20 किलोवाट, हमने कैलकुलेट किया एक को पी डी को 20 आ रहा है, बचा हुआ आगे जा रहा है तो वो भी हो रहा है 20, स्पीड दिया है 800 rpm। नाउ सॉल्यूशन क्या है मेरा, स्टेप वन एनालिसिस ऑफ गियर सी। नाउ एनालिस करने के लिए क्या है, पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 2 pi NT / 60, तो ये पावर सी के लिए हो रहा है मतलब गियर के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे सी एम टी
ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पे सी ये दिया है मुझे 40 × 10³ किलो वैट में था, तो मैंने इसको वैट में कन्वर्ट किया। स्पीड दिया है 800 RPM। ओके एमटी फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा न्यूटन मीटर में। वो आंसर मुझे मिला कितना मिला 477.465 न्यूटन मीटर, उसको मैंने कन्वर्ट किया न्यूटन एमएम में बाय मल्टीप्लाइंग 10³। नाउ फॉर गियर वी नो द कंडीशन क्या होता है उसमें, ये रहा ड्राइवर जो अपसाइड का पिनियन था, वो है मेरा ड्राइवर और ये मेरा व्हील है जो कि शाफ्ट माउंट है। ओके नाउ यू कैन सी ये घूम रहा है, ये सेंस का क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज कंसिडर किया कि शाफ्ट घूम रहा है क्लॉकवाइज। ओके व्हेन व्यू फ्रॉम ए, नाउ देखिए यहाँ पे ये होगा एफ आर, मतलब क्या है यहाँ पे रेडियल फोर्स और ये टेंजेंशियल फोर्स। यू नो द थंब रूल अपने अप्लाई की, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये अपवर्ड आएगा। ओके नाउ कैन सी यहाँ से ये मोशन, ये टॉक ट्रांसमिट मोशन और ये टॉक ट्रांसमिट, तो उस डायरेक्शन से मैंने निकाला है यहाँ पे एफ आर रेडियल फोर्स, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स। ओके नाउ फॉर गियर एम टी सी इक्वल टू एफ टी इंटू डी सी बाई टू। ओके नाउ ये फॉर्मूला गियर का, ट्विस्ट मतलब टॉर्क इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस एफ टी इंटू आर। ओके एम टी सी है मेरे पास कितना है 477.46। ओके मुझे मिला एफ टी, कितना है एफ टी मेरा 535 न्यूटन। एफ आर क्या होता है ये भी आपको मिलेगा फॉर्मूला पीएजी से, बट इसके लिए कुछ यूज़ नहीं है पीएजी यूज़ करना, यू कैन डायरेक्टली मगअप कि एफ आर क्या होता है, ये आपको थ्योरी ऑफ मोशन में रहेगा। ओके नाउ एफ आर इक्वल टू एफ टी इंटू टेन अल्फा, तो ये वैल्यू आएगा मेरा टेन अल्फा, अल्फा कितना है मेरा 20 डिग्री प्रेशर एंगल, तो ये हो गया 1930 न्यूटन। ओके सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप टू इज एनालिसिस ऑफ पुली डी। अगर मैंने यहाँ पे देखा है पुली डी जो है कैसा दिखता है, इस तरह से मोशन ट्रांसमिट हो रहा है डाउनवर्ड वर्टिकली। ओके विथ 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो होगा ये होगा मेरा कॉस कंपोनेंट, ये होगा मेरा साइन कंपोनेंट। ओके नाउ ये होगा T1 + T2, डायमीटर दिया है, पावर कितना है इसका पुली डी का 20 किलोवाट, स्पीड है 800 RPM, तो पावर क्या होगा P इक्वल टू 2 π NT/60। पावर पी डी मुझे पता है 20 × 10³ वाट, एन मुझे पता है 800 MT फाइंड करना है, न्यूटन मीटर में आंसर आएगा। ओके आंसर आया मुझे कितना आया 238.73 न्यूटन मीटर, उसको मैंने अप्लाई किया विथ 238.73 × 10³ न्यूटन mm। ओके ना ऑल्सो वी नो दैट कि एम टी डी क्या बोला यहाँ पे मैंने एम टी डी। ओके वन से मिनट, ये रहा यहाँ पे एम टी डी टॉर्क जो होता है क्या होगा यहाँ पे फॉर पुली के लिए, एम टी डी टॉर्क टी इक्वल टू T1 - T2 टेंशन इंटू रेडियस। ये टॉर्क होता है न्यूटन एमएम में, ये टॉर्क फोर्स होता है, टॉर्क फोर्स टेंशन T1 T2 टाइट साइड स्लैक साइड, ये रेडियस। ओके ये भी कंसेप्ट है सिंपल कस्टम मैकेनिक्स का। ओके तो ये होगा एम टी डी मुझे पता है 238.73 × 10³ न्यूटन mm, T1 पता है, T2 पता है, रेडियस पता है। ना मुझे पता है कि टेंशन रेशियो मुझे दिया है टाइट साइड डिवाइड बाय स्लैक साइड, T1 मैंने अज्यूम किया टाइट साइड, T2 मैंने अज्यूम किया है स्लैक साइड फॉर पुली सी के लिए, तो है 2.5, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 2.5 ऑफ T2। तो ऐसे ही पुट करूंगा यहाँ पे सब्सिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ T2 एंड T1, ये आएगा T1 का वैल्यू 1.06 × 10³ न्यूटन एंड द वैल्यू ऑफ T1 आया मेरा 2653 न्यूटन। ओके ये हो गया मेरा एनालिसिस ऑफ पुली डी। सेम अब स्टेप थ्री करूंगा मैं एनालिसिस ऑफ पुली ई, बट मुझे पता है दोनों का पावर सेम है, करके क्या होगा आइडेंटिकल पुली है, तो वैल्यू ऑफ T3 T4 मतलब जो मैंने टर्म यूज किया है T3 टाइट साइड T4 स्लैक साइड किसके लिए E के लिए, तो ये हो जाएगा सेम वैल्यू 2653 न्यूटन और T4 1060 न्यूटन। अगर इसमें पावर होता अलग, लाइक एग्जाम्पल 50 किलोवाट पावर गियर का होता, 20 किलोवाट पावर डी ने खाया होता, तो ई पे मिलता था 30 किलोवाट पावर, तो इसके लिए सेम स्टेप मुझे करना पड़ता था रिपीट। ओके
नाउ सो लेट्स मूव द स्टेप नंबर फोर. स्टेप नंबर फोर इज हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम. नाउ देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई मैंने बनाया, जैसे मेरे पास डायग्राम है. ओके देखिए यहाँ पे ए सी डी ई बी. अभी यहाँ पे सिंपली सोर्ट बी में तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा. अभी यहाँ पे गियर है, गियर में क्या आएगा, टेंजेंशियल फोर्स जो नीचे गिर रहा है. ओके ओके टेंजेंशियल फोर्स जो ऐसा जा रहा है यहाँ से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे रेडियल फोर्स है. रेडियल फोर्स आएगा कभी मेरा, जब भी वर्टिकल लोड डायग्राम आएगा तभी. अभी देखिए यहाँ पे ये इंक्लाइन है करके यहाँ पे दोनों फोर्स आएगा, एक वर्टिकल भी आएगा हॉरिजॉन्टल भी आएगा, प्लस इसका वेट भी आएगा. इसका वेट दिया है तो इसका वेट भी आएगा. अगर गियर का वेट दिया था तो गियर का वेट भी, सॉरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायग्राम है तो वेट नहीं आएगा. ओके सॉरी हॉरिजॉन्टल डायग्राम वेट नहीं आएगा, वर्टिकल डायग्राम वेट आएगा. अगर गियर का दिया रहेगा तो गियर का भी आएगा, किसमें बट वर्टिकल में आएगा. ये हॉरिजॉन्टल देखिए दोनों आएगा फोर्स. तो यहाँ पे देखिए एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, ये डी पे टी वन प्लस टी टू साइन थर्टी गया होगा, टी वन प्लस टी टू साइन थर्टी. ओके कौन सा कंपोनेंट है ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके देन ई पे टी थ्री प्लस टी फोर, टी फोर दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. मेरे पास दोनों की वैल्यूज है, मैं ऐड करके निकल सकता हूँ यहाँ से. नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो आर ए मतलब एच ए. ओके एच ए वर्टिकल फोर्स प्लस वर्टिकल फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ये हो जाएगा. मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन अप्लाई रूल अप्लाई किया है, एच ए प्लस एच बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एफ टी टी वन प्लस टी टू साइन थर्टी, टी वन प्लस टी टू साइन थर्टी प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी थ्री प्लस टी फोर, ये हो जाएगा एच ए प्लस एच बी इक्वल टू वैल्यू 7162 न्यूटन. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगा मोमेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे मोमेंट अप्लाई करूंगा तो एफ टी इंटू 220 पॉजिटिव माइनस, देखिए ये फोर्स मैंने अपवर्ड क्यों लिखा है, वाई दिस इज अपवर्ड. नाउ ये अपवर्ड इसलिए है कि ये जो है मैंने क्या कंसिडर किया है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा एक्ट करता है टूवर्ड्स आर, टूवर्ड्स आर मतलब राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, अगर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड अप्लाई करता है तो वो क्या है निगेटिव. देखिए यहाँ पे पूरी डी केस में ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ये साइड जा रहा है. ओके टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. ओके देखिए यहाँ समझेगा आपको, यहाँ पे कहाँ जा रहा है ये, ये बनाया मैंने यहाँ पे तो ओके कहाँ जा रहा है ये, लेफ्ट तो नेगेटिव, ये कहाँ जा रहा है राइट, तो ये पॉजिटिव. ओके दैट्स अ रीजन ये क्या है मेरा अपवर्ड है. ओके नाउ नेक्स्ट ये हो गया टी वन. ओके साइन क्या हो जाएगा ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज, टी वन प्लस टी टू इंटू साइन थर्टी इंटू 650 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 220 प्लस 430 ऐड होके 650 हो जाएगा. देन प्लस टी थ्री प्लस टी फोर इंटू 400 प्लस 430 इंटू 220 कितना होगा एडिशन 1050 ये आएगा. देन माइनस 1500 जो लेंथ है इसका इंटू एच बी, तो ये सॉल्व करूंगा मैं तो मुझे ये मिलेगा वैल्यू ऑफ आर बी दैट इज मेरा एच बी है. ओके एच बी और एच ई मुझे मिलेगा यहाँ पे. ये होने के बाद मैं कैलकुलेट करूंगा सेम लाइक प्रीवियस वन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. क्या करूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. नाउ एज वी नो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, सिंपली सपोर्ट बी में तो क्या हो जाएगा जीरो. पॉइंट डी ओके मैंने यहाँ से गलती से पॉइंट डी ले लिया पहला, तो पॉइंट डी का ये साइड का फोर्स जो रहेगा ये क्या आएगा, अगर इधर ऐसा आ रहा है ये साइड के फोर्स से ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये साइड क्या होगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव. देखिए 4589 ओके 4589 जो वैल्यू है एच ए का 4589 इनटू दिस डिस्टेंस दैट इज 4220 प्लस 430 दैट इज 650 माइनस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसा एफ टी, एफ टी का वैल्यू है 4 5305 इंटू 430 क्या है एफ टी इंटू 430 ये आ गया मेरा वैल्यू डी का मोमेंट है डी 701.9 इंटू 10^3 न्यूटन mm. नाउ नेक्स्ट है मेरा मोमेंट एट पॉइंट सी, क्या आएगा मेरा मोमेंट एट पॉइंट सी. देखिए मोमेंट एट पॉइंट सी, सी में कैसा करूँगा मैं, ये लाइन यहाँ पे खींचा, ये साइड के फोर्स लूंगा मैं एच ए इंटू 220 एंड नो वैल्यू ऑफ एच ए
कितना है 4589.32 इंटू 220। आया मेरा आंसर सेंस क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव। सेम ई के लिए क्या करूंगा मैं, ये साइड बड़ा दिख रहा है, छोटा ये साइड है, ये साइड लूंगा, बट क्या होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि मैं ये साइड देख रहा हूँ, राइट साइड। अगर मैं देखता था लेफ्ट साइड तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता था। तो ये हो जाएगा एच ए इंटू 450। एच ए वैल्यू है 2572.62 इंटू 450, ये रहा इसका आंसर 1.158 इंटू 10^6 न्यूटन mm। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 मेरा वर्टिकल लोड डायग्राम। नो मुझे पता है वर्टिकल लोड डायग्राम सेम डायग्राम बनेगा, उसमें बस फोर्स चेक करना है। यहाँ पे आएगा वर्टिकल में रेडियल लोड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा T1 प्लस T2 डाउनवर्ड फोर्स जो था मेरा वो आएगा, प्लस वेट ऑफ पुली डी प्लस वेट ऑफ पुली ई एट पॉइंट ई पे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस वेट, यहाँ पे टेंशन जो रहेगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टेंशन कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। यहाँ पे सिंपल क्या आएगा वेट ऑफ पुली आएगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ पुली, यहाँ पे T1 प्लस T2, देखिए यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस cos 30 क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस cos 30 प्लस एडिशन में वेट ऑफ पुली, क्योंकि वेट ऑफ पुली में दिया हुआ है वो भी न्यूटन में नॉट इन kg, ओके। तो 250 क्या आएगा 25 इंटू 10 न्यूटन में। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा वर्टिकल फोर्स वी है, वर्टिकल फोर्स वी बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स वी आर सॉरी एफ आर प्लस T1 प्लस T2 cos 30 प्लस वेट ऑफ पुली डी प्लस वेट ऑफ पुली ई, जो कि दोनों सेम है, ओके। मैंने यहाँ पे शायद 9.81 अप्लाई किया, आप 10 भी अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू। नाउ मोमेंट एट पॉइंट ए लिखा लूंगा मैं अभी, मोमेंट एट पॉइंट ए आएगा मेरा एफ आर इंटू 220 T1 प्लस T2 cos 30 प्लस वेट इंटू 650। देखिए एफ आर के वैल्यू है 1930 इंटू 10^3। T1 प्लस T2 प्लस cos 30 प्लस वेट डी का वैल्यू है 3460.8 इंटू 650 प्लस वेट ऑफ पुली जो है यहाँ पे ई का 245.25 इंटू डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक 220 प्लस 430 प्लस 400 कितना है वो 1050, ओके। ये रहा इंटू वी बी, तो मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ वी बी, जैसे मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ वी बी मैं यहाँ पुट करूँगा, मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ वी ए। अब मैं कैलकुलेट करूँगा बेंडिंग मोमेंट फॉर वर्टिकल डायग्राम, पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम एज इट इज सिंपल सोट बी में करके 0 SSB। नाउ सी पे क्या होगा, सी पे ए साइड में एरो लूंगा, ए साइड का फोर्स क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव, तो वी ए इंटू 220, ये रहा वी ए वैल्यू इंटू 220। देखिए वी ए वैल्यू ठीक है, वी ए का वैल्यू ये रहा वी के वैल्यू इंटू 220, यह आंसर सेम डी पे यहाँ पे गिराऊंगा, ये साइड लूंगा वी ए इंटू 650, वी ए इंटू 650 ओके, माइनस एफ आर इंटू 430 ओके, एफ आर है 1930, तो आंसर है मेरा 1.419 इंटू 10^6। सेम ई के लिए ये साइड का फोर्स हो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे फोर्स कम है, बट यहाँ पे क्या करना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, तो वी बी क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वी बी इंटू 450, तो ये रहा वी बी का वैल्यू इंटू 450, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट जो हो गया एट ई पे 0.879 इंटू 10^6 न्यूटन mm। नाउ स्टेप नंबर 6 से मेरा रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट ए और बी 0, सी पे क्या होगा सी एच का स्क्वायर प्लस सी वी का स्क्वायर, मतलब बेंडिंग मोमेंट जो मैंने कैलकुलेट किया है सी के लिए वो उसका स्क्वायर, जो वी के लिए कैलकुलेट किया वो उसका स्क्वायर, अंडर रूट आंसर निकालो, ये आएगा आंसर, ये रहा सी का वैल्यू कितना है, ये सी ऑफ वी पे 0.8 इंटू 10^6 सेम मैंने निकाला है सी इसके लिए, देखिए यहाँ पे ओके ये वैल्यू, तो ये आएगा मेरा 1.08 इंटू 10^6। सेम डी के लिए डी एच का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर बेंडिंग मोमेंट, ओके बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एट डी पे वर्टिकल का एट डी पे हॉरिजॉन्टल का, और उसका अंडर रूट स्क्वायर करो, वैल्यू निकालो डी पे निकालो ई पे निकालो और चेक करो कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो मुझे क्या पता चला कि वैल्यू ऑफ डी पे क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये रहा मेरा मैक्सिमम बेंडिंग।
है, तो ये आपको मिला यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, 1.53 इंटू 10^6 न्यूटन mm। ओके, ये रहा आपका मैक्सिमम बेंडिंग। सो मेरा है स्टेप नंबर 7, शाफ्ट साइज यूजिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। एज वी नो मुझे फाइंड करना है फॉर्मूला क्या होगा, एम का स्क्वायर प्लस टी का, ये क्या है इक्विवेलेंट टॉर्क। ओके, ये क्या है मेरा इक्विवेलेंट टॉर्क जिसको हमने लास्ट टाइम यूज किया था, क्या आएगा इक्विवेलेंट टॉर्क अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्लस मैक्सिमम टॉर्क। ये रहा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, और ये टॉर्क जो कि मुझे मिला है एट गियर सी पे। ओके, पाई बाय 16 टाउ, जो टाउ दिया हुआ है मुझे मटर सिलेक्शन नहीं करना है, तो ये होगा 400 DQ, तो मुझे मिलेगा आंसर ऑफ डी 28। ओके, अगेन मैंने आपको बोला कि ये डिपेंड करता है बेरिंग के डायमीटर के ऊपर, ओके इनसाइड डायमीटर के ऊपर, बट यहाँ पे वी कैन यूज डायरेक्टली 28 29 जो लेना आपको ले सकते हो। ओके, ये रहा यहाँ तक का शार्प डिजाइन पे वीडियो। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।